के फिर कैसा है? हाँ लगाओ और जोर से, जोर से। देखा ना, अब नहीं ले जान देते तुझे, अब के तेरे बाप खराब चल रहा बस। आगो में आके बैठ के बच्चों को मार के साथ में ले जाने को क्या, उसको पढ़ने भी नहीं दिया, उसकी पढ़ाई भी खराब कर दिया। हो रे तुझ करा उसकी पढ़ाई खराब, तुझ करा क्या? जोर से बोल, जकड़ो उसको और तेज एक साथ। खुद वो खुद आया था कि कहां से आया कि कोई भेजे, जो पूछा मैं उसका जवाब दे, मेरे पास टाइम नहीं रहता तो पूरा जला दूंगा भाई। हाँ बोल। हाँ लगा, पूरी ताकत लगा, जोर से। चल सवाल के जवाब दे मेरे, तो छोड़ दूंगा। कहां से आता बच्चे के आंग में छुपरे के? हाँ कहां से? शमशान से लाके डाले, कब्रस्तान से? क्या खुद ब खुद आया था? जोर से बोल, टाइम नहीं मेरे पास, तो पूरा दिला दूंगा। हाँ कहां से आया था? कहाँ का है? कब्रस्तान का है क्या खुद ब खुद आया वाला है क्या शमशान का है? हाँ बोल, वो लोगों को सब कुछ सुनना है, जोर से बोल, जोर से। फिर जो मनमाने चल रहे थे तेरा, बता मुझे कितनी ताकत तेरी, तो बता तेजी से। इसकी तकलीफ दे रहा था इसको, कमजोर करते जा रहा था अंदर ही अंदर, बावरान बना के घुमाने की कोशिश कर रहा था उसको, पढ़ाई में दिल दिमाग नहीं लगने दे रहा था उसका। हाँ हाँ, किस चीज में मिला कि जादू करे अल्लाह शुक्र कई में खिलाए? बर्दाश्त कर सकता मेरी मार? तू मारो इसको और मारो, कितना बर्दाश्त कर पाएंगे देखेंगे। मारो इसको, काट के बाहर टांग दू क्या तेरे दोनों हाथ? उसको बुलाओ, मैं कुछ के हाथ आऊ ना दोनों। अगर उन्हें मेरे सवाल के जवाब नहीं दिया तो उसके दोनों हाथ काट लो। उन्हें मनमानी कर रहा, उन्हें इंसानियत पे जुलूम कर रहा, इसलिए उसके हाथों में छोड़ूंगा नहीं। अगर उन्हें मुझे सही सही बोला तो फिर मैं उसको आजाद करा दूंगा। चल बोल, कहां से पकड़ा छोकरे को? इतना बोल। हाँ कौन थे वो? इसके माँ के थे, बाप के थे? चलो लो उसके हाथ, वो पतरेंगे उसके। कैसे बच्चों को रिश्तेदारों को मार के लाके बाहर टांगा मैंने, उसे टांग दूंगा। चलो हाँ जल्दी बोल। हाँ बोल, चल इज्जत से पूछ रहा हूँ, जल्दी बता क्या नाम है छोकरे का? ये अब्बास। को तूने कहाँ से पकड़ा था? तूने खुद ब खुद पकड़ा कि इनको अमल कर रहा था तो पकड़ा, या कब्रस्तान से आया, या शमशान से लाके छोड़े? अब्बा के रिश्तेदार थे उसके कि अम्मा के थे? हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ बोल, झगड़ा उसको तेजी के साथ में, बोल जल्दी। चल ठीक है, इसको बंदे को खत्म कराओ, इतने लोग आए हैं सभी ने याद करके, जब तक इसको मार मार के इसकी शक्ति खत्म कराओ। पानी इधर पीने, गिलास इधर, ऐ पानी पियो। ये जो मसला है, कितने बार हाजिर हुआ इससे पहले घर पे? हुआ कब हुआ था? रमजान के पहले। सवाल जवाब कुछ करा क्या? ये जो मसला है ये खुद ब खुद लगे आला नहीं है, ये जागरूक करके लाके छोड़े आला खेल है। और ये ऐसा पार्ट रहता कि एक लाते उठा के उधर से, अरे कुछ चीजा ले जा गाड़ दिया लड़ते, पूरा खुल के नहीं बोलूंगा, अनशॉर्ट में बताऊंगा तुम्हारे लोगों को। और दूसरा पार्ट लाके खिला दिया लड़ता, वो अंदर क्या करता?
अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर पूरा भिन जाता है, पूरे शरीर को अपने काबू में ले लेता हूँ कंट्रोल, और ले लेने के बाद में फिर ऐसा चलता खेल, नेटवर्क आता नेटवर्क जाता, नेटवर्क आता नेटवर्क जाता, चलते रहता और उसमें तकलीफा देते रहते हैं पेशेंट को, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर उसको कमजोर करते। साइंस भी बताता ना कि जब अम्मास और पूनम आती तो खून के अंदर जो होमोग्लोबिन की प्लेटेज रहती उसके अंदर मिठास पैदा होती, और वो मिठास ये वालाएं पीते, ये पीने के लिए आते, पी के कमजोर करते पेशेंट को, फिर भाग जाते, खेल चलते रहता। ये खुद को खुद आए वाले नहीं है, उनकी जैसे तुम्हारे दुनिया के रूल्स और कानून कायदे, वैसे उनके भी दुनिया के कुछ रूल्स और कानून कायदे रहते हैं। उन्होंने कानून कायदा तोड़ कर डायरेक्ट सडनली आते हैं और सडनली आके हमला करते हैं, जब तक उनको इलाज वाला हुक्म नहीं देता और हुक्म दे के लगाता नहीं काम पे, जब तक उन्हें करते नहीं, हुक्म दे के पकड़ के बांधे में लेके वो आधे माहों के अंदर लेके उनको काम पे लगा देते और छोड़ देते। वो क्या करते अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर कमजोर कर करके कर करके लास्ट में जान ले लेते पेशेंट के, सब खेल रहता हो तो सब तकलीफें वबाएं ये सब ये बलाएं ये कर रहे थे। इंशाल्लाह आगे के चक्कर में पूरा उसको जकड़ के कमजोर करा के फिर खुलासा करके लूंगा, कौन डाले थे, कहाँ से आया था, क्यों आया और क्यों बैठा। यहाँ पर अगर खुलासा नहीं होगा और अगर यहाँ पे नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, तो यहाँ तो नाम निकलना जरूरी है और निकलना ही निकलना है। कौन करा, क्या करा, क्यों करा, क्या दास्तान थी, सब बाल से बारीक बातें सामने आ जाते। और मेरी जबानी तो मैं नहीं बोलता, सामने वाली जो बला वबा जो भी है वो सामने आकर बयान करती, जैसा अभी मैंने पकड़ लिया था उसके आंग में और वो बहुत मजबूती से भिन के बैठा, तो उसको भी तो अभी थोड़े फटके देकर पता चलना चाहिए ना कि कितना उन्हें पानी में और कितनी हमारी ताकत पानी में, तो इसलिए उसको कमजोर करेंगे अमल के दौरान अल्लाह के फजल करम से, दुआ के पानी से जो भी एक्सरसाइज है। बाद में जब दूसरे राउंड तक आएगा जब तक उसको मेरी फौज जाके मारती कमजोर कर देती, जब कमजोर होने के बाद फिर वो सामने आता तो फिर वो सब बयान कर देता पूरी दास्तान एक्स वाई जेड जो भी है। तो बेहतर है कि अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, और साथ में ही साथ में हर जात और हर धर्म का इंसान कुरान को पढ़ के उसका फैज हासिल कर सकता, कुरान को पढ़ के उसकी जो खुदा की तरफ से रहमत और असमत नाजिल होती उसकी बरकतें हासिल कर सकता। तुम अगर पढ़ेंगे तो तुमको मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तुम बोलेंगे मुसलमानों को जाता हुई क्या है कि मुसलमान, ऐसा नहीं है। तुम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है तुम सब उम्मत मोहम्मदिया के अंदर है और कुरान अल्लाह ने तुम्हारे लिए सबके लिए उतारा, अब तुम पढ़ो और पढ़ के फैज हासिल करो। रही बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को, तुम्हारे मरने के बाद हर इंसान का फैसला होगा कौन से कार्य करा, क्या करा, कितना सत्यवाद पे चला, कितना झूठ इसमें करा, कितना बुत परस्ती में गा, कितना शिर्क करा, वो सब तुम्हारे से बाद में फैसला लेंगे, मगर पहले तो तुम्हारे को बचना चाहिए ना इन सब वबाओं से, बलाओं से, बीमारियों से, आफतों से। तो कुरान अल्लाह की ऐसी किताब है कि उसको तुम पढ़ो तो तुमको सुकून हर ऐसा मिलेगा कि तुम्हारे रूहानी को तुम खुद बोलेंगे पढ़ने के बाद में, और तुम्हारी दुनिया ही हर ख्वाहिशात पूरे होंगे लोगों अगर कंटिन्यू पढ़े तो। इसलिए पढ़ने का मामूल बनाओ, अल्लाह कहने से सुनने से ज़्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो।